नमस्कार बच्चों बच्चों, मेरे YouTube चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज में मैं 26 चैप्टर का सुपर 20 क्वेश्चन करवा चुका हूं। बच्चों, अब मैं आज एक स्ट्रेटजी चेंज कर रहा हूं। प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर हैं, आपको पता है। पहला है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, दूसरा मिनरल न्यूट्रिशन, तीसरा फोटोसिंथेसिस, चौथा रेस्पिरेशन और पांचवा आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब मैं क्या करूंगा बेटा जी, प्लांट फिजियोलॉजी से मैं 5-20 क्वेश्चन का सेट लेके आऊंगा। मैं उस पर लिखा रहेगा प्लांट फिजियोलॉजी सेट 1, फिर कल सेट 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। ये 5 सेट हो जाएंगे। फिर इकोलॉजी के मैं 5 सेट लाऊंगा बेटा, इकोलॉजी में जो 4 चैप्टर हैं उसके 5 सेट लाऊंगा। फिर जेनेटिक्स में लेके आऊंगा, जिसमें दोनों हो जाएगा, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, साथ साथ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये मेरा प्रोग्राम है बेटा, जिस तरह से मैं काम करूँगा। तो आज प्लांट फिजियोलॉजी सेट 1 के मैं 20 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। बेटा जी, मेरी आपसे विनती है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। तो चलिए हम और आप शुरू करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के सुपर 20 क्वेश्चन। पहला सवाल है बेटा जी, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वाटर मेलन इज, कर वाटर मेलन में वाटर का अमाउंट कितना होता है, 92%, 87%, 80% और 75%। तो जैसा कि आपको पता है बेटा जी, आपको 2 से 3 सेकंड मिलते हैं, आप जवाब सोच लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए जाएगा बेटा 92%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब वाटर पर डे 500 ml, 1 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर। कॉर्न प्लांट आप जानते हैं बेटा जी, जियामेज, वो C4 प्लांट भी होता है। वो कह रहा है कि एक दिन में कितना लीटर, वो कितना पानी एब्जॉर्ब करता है, 500 ml की, 1 लीटर की, 3 लीटर की, 5 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब जाएगा सी, 3 लीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लाज्मोलिसिस इज ड्यू टू, प्लाज्मोलिसिस क्यों होती है, जब सेल से पानी बाहर चला जाएगा तो प्लाज्मोलिसिस होती है। इसमें 4 ऑप्शन हैं, एग्जास्मोसिस, एंडास्मोसिस, एडजॉर्प्शन, ऑस्मोसिस। तो आपको पता है बेटा जी, एग्जास्मोसिस होगा तो प्लाज्मोलिसिस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा जी, बार बार आता है। वो 3 सवाल इसके पहले बेटा जी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के थे, ये चौथा सवाल ये अब आ गया मिनरल न्यूट्रिशन का। मैग्नीशियम इज एक्टिवेटर ऑफ, कह रहा मैग्नीशियम किसका एक्टिवेटर होता है, किस एंजाइम का, रूबिस्को का कि PEP कार्बोक्सिलेज का, कि बोथ रूबिस्को एंड PEP कार्बोक्सिलेज, और चौथा है नाइट्रोजिनेज। आपको पता है मैग्नीशियम आयन किसका होता है, तो ये दोनों का होता है, रूबिस्को और PEP कार्बोक्सिलेज का। तो 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाइड्रोपोनिक्स इज, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ग्रोविंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, ग्रोविंग ऑफ फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स, सॉयल लेस कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, ग्रोविंग प्लांट्स इनसाइड वाटर। आपको पता बेटा जी हाइड्रोपोनिक्स क्या है, सॉयल लेस कल्चर ऑफ प्लांट, बिना मिट्टी के पौधे उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लांट्स एब्जॉर्ब जिंक एज, कह रहा प्लांट्स जिंक को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, ZN है पहला, फिर ZN+2 आयन है, फिर ZnSO4 है, फिर ZnNO3 ट्वाइस है। बहुत बढ़िया सवाल है, आपको पता है बेटा जी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेगा ये, तो ये करेगा ZN+2 आयन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी। द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज, आपको पता बेटा जी कि सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो नाइट्रोजिनेज भी एक एंजाइम है, ये प्रोटीन होगा। तो लेकिन कह रहा है कि कौन सा प्रोटीन होगा, 4 ऑप्शन दिया है, पहला है
CUFE प्रोटीन, दूसरा है NIFE प्रोटीन, तीसरा है MOFE प्रोटीन और चौथा NICU प्रोटीन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा जी। तो ये क्या हो जाएगा MOFE प्रोटीन, क्वेश्चन नंबर 7 का सी। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब ये बेटा जी आपका 4 सवाल मिनरल न्यूट्रिशन से था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8वां, ये फोटोसिंथेसिस से है। तो विच वन ए C4 प्लांट, कह रहा है इनमें से कौन सा एक C4 प्लांट है, पपाया की पी की पोटैटो की मेज। बहुत आसान सवाल है लेकिन बेटा बार बार आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी हो जाएगा, मेज C4 प्लांट है। नेक्स्ट है, इन C4 पाथवे इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकर इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ, कह रहा कि इनिशियल, आपको पता बेटा जी C4 प्लांट में दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पार्टिसिपेट करते हैं, एक मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट और बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट। दोनों में CO2 का फिक्सेशन होता है, दोनों में होता है, लेकिन ये बेटा जी यहाँ एक ये लगा दिया कि इनिशियल CO2 फिक्सेशन कहाँ होता है, ये आपका गार्ड सेल में होता है कि मीजोफिल सेल में होता, मीजोफिल में होता है कि बंडल शीथ में होता है, ऑल ऑफ द अबव। चूँकि क्लोरोप्लास्ट पहले बात कर दिया है तो मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट या बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट, तो आपको जवाब देना है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, जितना मैं तारीफ़ करूँ कम है इस सवाल की बेटा जी, गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं क्योंकि दोनों में होता है लेकिन पूछ लिया इनिशियल, तो ये हो जाएगा मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट। 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा जी, इन C3 प्लांट्स फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन एज, करा C3 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पूछ रहा बेटा कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपका क्या, आप 4 ऑप्शन दिए बेटा जी, PGA, PGAL, RUBP, OAA। PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड है, PGAL फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है, RUBP राइबलोज 1,5-बाईफास्फेट है, OAA ऑक्सैलोएस्टिक एसिड है। तो अगर वो C4 का पूछता बेटा तो आप OAA लगाते, लेकिन C3 का पूछ रहा है तो 10 का ए हो जाएगा। तो सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज में ये 10 सवाल हम लोग कर लिए बेटा जी, और मेरी आपसे विनती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा जी, लाइक करिए और शेयर करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्रेंज एनाटॉमी इज टिपिकल ऑफ, कहा जाता है क्रेंज एनाटॉमी किस प्लांट के लीफ में पाई जाती है, C4 प्लांट्स, C3 प्लांट, C2 प्लांट्स, कैम प्लांट्स। ये इम्पॉर्टेंट है बेटा जी, आसान सवाल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए हो जाएगा, C4 प्लांट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, जो क्वेश्चन है वो है 12 नंबर पर। नंबर ऑफ केल्विन साइकिल रिक्वायर्ड टू जनरेट अ मालिक्यूल ऑफ हेक्सोज एच, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा जी। एक मालिक्यूल हेक्सोज, जिसे आप ग्लूकोज भी कह सकते हैं, आपको जनरेट करना है तो कितने केल्विन साइकिल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, 2, 4, 6, 8। बहुत ही बढ़िया सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये हो जाएगा आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए बेटा जी, जो यहाँ तक सवाल था ये आपका फोटोसिंथेसिस का था, अब रेस्पिरेशन के सवाल क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू हो रहे हैं। तो फॉर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस यूजेज एंड प्रोड्यूसेस ATP मॉलिक्यूल्स, आपको पता है बेटा जी जब एक मॉलिक्यूल हम ग्लूकोज का लेके चलते हैं तो ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप के बाद हम 2 पायरुविक एसिड बनाते हैं और हम 2 ATP खर्च करते हैं, 4 ATP हम प्रोड्यूस करते हैं। स्टेप नंबर 1 पर 1 ATP खर्च करते हैं, स्टेप नंबर 3 पर 1 ATP खर्च करते हैं, स्टेप नंबर 7 पर हम 2 ATP बनाते हैं, स्टेप नंबर 10 पर हम 2 ATP बनाते हैं। लेकिन ये तब होता है जब हम एक मालिक्यूल ग्लूकोज का लेके चलते हैं, तो जब 2 मालिक्यूल लेके चलेंगे बेटा जी तो हम 4 ATP खर्च करेंगे और 8 ATP प्रोड्यूस करेंगे। तो ये इसका जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ए, 4 एंड 8। बढ़िया सवाल है बेटा जी,
थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, क्या इन ग्लाइकोलिसिस 6C कंपाउंड्स आर स्प्लिट इनटू 3C कंपाउंड बाय एंजाइम आइसोमरेज, एल्डोलेज, हेक्सोकाइनेज, डिहाइड्रोजिनेज। आपको पता है बेटा जी, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट, ये 6 कार्बन का होता बेटा। इसके बाद हम बनाते हैं 3PGAL, 3-फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड प्लस DHAP, डाईहाइड्राक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये स्टेप 4 होता बेटा, और यहाँ जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है एल्डोलेज। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो जवाब जाएगा एल्डोलेज है। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा जी, ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, द नेट गेन ऑफ एनर्जी पर ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज, कह रहा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कुल कितने ATP का नेट गेन होता है। आपको पता बेटा जी, अगर पूछता कितने ATP प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्शन होता है, तो हम 40 ATP लगाते, लेकिन सवाल पूछ रहा है क्या नेट गेन, ये याद रखिएगा, नेट गेन पूछ रहा है बेटा, तो 15 का जवाब चला जाएगा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा जी, ये पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ रेस्पिरेटरी चेन विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन इज, ये मतलब कह रहा है बेटा ETS में जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो ऑक्सीजन होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन आता कहाँ से, डोनर कौन है, डोनेट कौन करता है, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो ऑक्सीजन है, ये सवाल बार बार पूछा जाता है, लेकिन कौन उसको डोनेट करता है ऑक्सीजन को, तो ये साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम A1 और साइटोक्रोम A3 है। तो आपको पता है बेटा जी, 16 का सी चला जाए, डी चला जाएगा, ये साइटोक्रोम A3, ये बेटा जी डी मानिएगा इसको, दो जगह सी आ गया है लेकिन ये है डी, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज, आपको पता है सिट्रिक एसिड साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं और साथ साथ TCA साइकिल भी कहते हैं, ये भी कहते हैं कि क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, तो माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ये भी कहते हैं क्यों होता है, क्योंकि उसके सारे एंजाइम वहीं पाए जाते हैं, केवल एक एंजाइम को छोड़ करके जिसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो कह रहा कि एंड प्रोडक्ट क्या होगा, अगर आपका क्रेब्स साइकिल हो रहा है, सिट्रिक एसिड साइकिल हो रहा, तो सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, CO2 और H2O। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 17 का बढ़िया सवाल है, और क्या जाएगा डी, CO2 प्लस H2O। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच वंस आर नेचुरल ऑक्सीजन, कह रहा इसमें दो दो देखिए ऑक्सीजन दिया है, कह रहा कौन नेचुरल है, पहला NAA और IAA, दूसरा IBA एंड 2,4-D, तीसरा NAA एंड 2,4-D, चौथा IAA एंड IBA। तो क्वेश्चन नंबर 18, आपको पता होगा बेटा जी, IAA इंडोल 3-एसिटिक एसिड और IBA इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, ये दोनों नेचुरल ऑक्सीजन्स हैं, तो 18 का क्या जाएगा, डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा ये, अब जो 18 नंबर का क्वेश्चन था, 19 नंबर का क्वेश्चन था, 20 नंबर का क्वेश्चन था, ये बेटा तीनों जो क्वेश्चन हैं वो आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से हैं। तो क्वेश्चन 18 आपने देख लिया, 19 देखिए, बोल्टिंग इज प्रमोटेड बाय, बहुत आसान सवाल है लेकिन बार बार आता है कि बोल्टिंग किसके द्वारा प्रमोट की जाती है, बोल्टिंग इज प्रमोटेड बाई ऑक्सीजन की जिबरलिन्स की साइटोकाइनिन्स की एथाइलिन्स। तो आपको पता है 19 का क्या हो जाएगा, जिबरेलिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 20, और आज सुपर 20 क्वेश्चन, जो प्लांट फिजियोलॉजी की सीरीज है जिसमें 5 सेट हम लेके आएंगे, आज पहला सेट है, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी से हम 100 सवाल करवाएंगे बेटा जी, है ना, 5 चैप्टर से। तो 20वां सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर, नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर की बात कर रहा बेटा, NAA, ABA,
IAAGA। तो बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का बी हो जाएगा ABA, एब्सिसिक एसिड। तो ये सुपर 20 क्वेश्चन सीरीज में आज प्लांट फिजियोलॉजी का सेट वन था बेटा जी। मेरी आपसे विनती है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए बेटा, लाइक करिए और शेयर करिए। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।